मैं नाहिद खान विरासत के एक बहुत नए और स्पेशल एपिसोड में आपके सामने हूँ। ये रेसिपी मेरे दिल के बहुत करीब है। दिल के करीब इसलिए है क्योंकि ये मेरी माँ की रेसिपी है। चूँकि मेरी माँ की रेसिपी है इसलिए सालों साल से ये मेरे ख़ानदान में चलती चली आ रही है। हम लोग सब लोग इस रेसिपी से ज़रा सा भी एक भी चीज़ इधर उधर नहीं करते हैं, इसलिए कि इस रेसिपी में माँ के प्यार की खुशबू भी आती है। तो इस रेसिपी को बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चॉप्स बनाई थी मैंने, चॉप्स में, तंदूरी चिकन में और तंदूरी टिक्के में, बहुत सी चीज़ों जगह इस्तेमाल करी जा सकती है। इसकी खुशबू महक इतनी अच्छी है कि आपको बेबस कर देगी कि आप जल्दी से उठा के चीज़ को खाने लगे। तो आइए चलिए मैं आपको ले चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। यह है मेरे इंग्रेडिएंट। इसमें पड़ती है 7 अदद बड़ी इलायची और बड़ी इलायची के जस्ट अपोजिट जस्ट डबल छोटी इलायची पड़ेगी 14 अदद और 14 अदद ही लौंग पड़ेगी। 3 फूल जावत्री के, ऐसे इस तरह से जावत्री के फूल, और 2 स्टिक एक एक इंच की 2 स्टिक दालचीनी की लकड़ी और आधी जो है ये जायफल है और 2 टेबल स्पून काली मिर्च है। इसके बाद 4 टेबल स्पून ये वाले टेबल स्पून मिला के वो है ज़ीरा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसको जो है लाइट ब्राउन भून लेंगे, भूनने के बाद पीसिएगा ये। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। अब इसको थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा बर्नर जला के थोड़ा पैन गरम हो जाएगा तब डालेंगे। थोड़ा पैन गरम होने का इंतज़ार करेंगे। अभी मेरा पैन गरम हो गया, इसमें सबसे पहले ज़ीरा डाल के भूनेंगे। ज़ीरा डालेंगे, बहुत लाइट ब्राउन करेंगे ताकि खूब अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब अच्छी खुशबू आने लगे समझिए गरम मसाला बनने के लिए तैयार है। धीमे धीमे भूनेंगे, गैस थोड़ा स्लो कर देंगे। ये रेसिपी मेरे दिल के बहुत करीब है इसलिए मैं बहुत कम लोगों से शेयर करती हूँ। ज़्यादातर तो किसी को शेयर करती ही नहीं हूँ, लेकिन जितना रेसिपी मेरे दिल का करीब है उतनी ही आपके दिल के करीब भी हो जाएगी जब आप इस्तेमाल करेंगे। इतनी अच्छी रेसिपी है इसकी गरम मसाले की कि किसी और मसाले में इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। अब इसको देख लेंगे, लाइट ब्राउन हो गया, गरम हो गया ज़ीरा। अब ये भुन गया, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी सारे मसाले एक साथ डाल देंगे। ये इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची सब छिलके समेत डालेंगे, इसलिए कि इन सबके छिलके में भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। अगर छिलका नहीं डालेंगे तो खुशबू कम हो जाएगी। दालचीनी को थोड़ा सा टुकड़े कर देंगे इसलिए कि ये पीसने में आसानी हो जाए। और जब ये इलायची थोड़ा सा भुन जाएगी तो थोड़ा फूल जाएगी, फूल के दिखने लगेगी, तो इसके मतलब ये कि भुन गई है। भुनने से ये भी हो जाता है कि आसानी से महीन पीस जाता है, और बरसात का महीना है, अगर भुनेंगे नहीं तो ये पीस भी नहीं पाएगी। भुनने से अच्छा सा पीस भी जाती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। कोई भी चीज़ भून के डालिए आप, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब थोड़ा सा इंतज़ार इसका भुनने का करेंगे, बहुत जल्दी भुन जाती है। और अब ये भुन के तैयार हो गई। अभी गरम मसाला हमारा भुन गया, अब गैस ऑफ कर दी। गैस ऑफ करने के ये भी जीरे के साथ मिक्स कर दिए। इसके बाद ये सब हमारा गरम मसाला पीसने के लिए तैयार हो गया। हल्का हल्का भुना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, दूर दूर तक इसकी खुशबू जाती है। तो अब ये हमारा पीसने के लिए तैयार है। तो चलिए अब इस गरम मसाले को भुने, गरम मसाले को ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं। पीस लेते हैं, इसको पीसने के बाद एक बार छन्नी में ज़रूर छान लीजिए। अब ये हमारा गरम मसाला पीस गया है, इसको छन्नी में रख कर छान लेंगे ताकि बड़ी इलायची और छोटी इलायची के छिलके इसमें ना रह जाएं। अब छिलके समेत इसीलिए पीसते हैं
ताकि खुशबू खूब अच्छी आ जाए। अब ये हमारा पिस गया है, उसके बाद ऐसे ही छन्नी से छानिएगा जिससे छिलके ऊपर रह जाएं, मोटी छन्नी से छिलके भी चले जाएंगे। ये हमारी महीन छन्नी है, हमेशा गरम मसाला इसी से छानते हैं। अब ये एक बार और चला लेंगे ताकि ये एक बार और छिलके और वो सब और महीन हो जाए, नहीं तो बहुत सारा गरम मसाला इस मोटे गरम मसाले छिलकों के साथ चला जाएगा। क्योंकि आजकल गरम मसाले इतने महंगे हैं कि ख़रीदना मुश्किल है। बड़ी इलायची के साथ दाम तो आसमान छू रहे हैं। बड़ी इलायची डालना ज़रूरी है इसलिए कि बड़ी इलायची की खुशबू अच्छी होती है। बस अब एक बार और चलाएँगे, हमारा तैयार हो जाएगा। सब इसके ऊपर और छान लेंगे, हमारा गरम मसाला कंप्लीट हो जाएगा। गिरा बहुत है और इसको बरसात के मौसम में एयर टाइट डब्बे में या एयर टाइट बॉटल में डालिएगा, नहीं तो गरम मसाले की खुशबू उड़ जाएगी और गरम मसाला सील भी जाएगा। अब ये देखिए इसमें ये मोटे मोटे छिलके रह गए हैं, ये छिलके रह गए हैं छोटी इलायची बड़ी इलायची के। तो बस अब हमारा ये गरम मसाला कंप्लीट हो गया। इतना महीन होना चाहिए, महीन है। अब ये किसी कंटेनर में डालने के लिए एकदम रेडी हो गया है। तो लीजिए ये बेशकीमत गरम मसाला पीस के तैयार हो गया है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जैसे मैंने बेशकीमती गरम मसाला की रेसिपी आपसे शेयर करी है, उसी तरह आपके बेशकीमती कमेंट का भी मैं इंतज़ार करूंगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। बताइएगा किस किस डिश में आप लोगों ने डाला और ट्राई किया इस गरम मसाले को। तो लास्ट में मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।